नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। देश की राजनीति बीते कई दिनों से गरमाई हुई थी। कारण था राज्यसभा की सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान। बीजेपी का तो सब कुछ ठीक ठाक चला, पर काफी माथापच्ची के बाद कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। हालांकि कई नामों को लेकर कुछ राज्यों में लोगों की इस बात से नाराजगी सामने आई कि उन राज्यों के स्थानीय नेताओं के बजाय दूसरे राज्यों के नेताओं को क्यों मौका दिया गया, जिसके बाद शुरू हुआ ट्विटर वॉर। और जिन्हें कांग्रेस ने कभी राज्यसभा के सपने दिखाए थे, उनका गुस्सा फूट पड़ा और खुले तौर पर खुद की ही पार्टी के उम्मीदवारों को लेकर विरोध भी शुरू हो गया। देखिए ये रिपोर्ट। राज्यसभा की तीन सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही पार्टी में घमासान शुरू हो गया। दिल्ली से लेकर जयपुर तक रविवार रात से ही विरोध शुरू हो गया। सीएम के सलाहकार संयम लोढ़ा ने राजस्थान के किसी भी नेता को टिकट नहीं देकर बाहरी नेताओं को राज्यसभा उम्मीदवार बनाने पर सवाल उठाए। लोढ़ा ने ट्वीट कर सवाल उठाया। लोढ़ा ने लिखा, कांग्रेस पार्टी को यह बताना चाहिए कि राजस्थान के किसी भी कांग्रेस नेता कार्यकर्ता को राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी नहीं बनाने के क्या कारण हैं। संयम लोढ़ा के ट्वीट पर सीएम के नजदीकी कांग्रेस नेता और स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा ने पलटवार किया। अरोड़ा ने जवाबी ट्वीट किया, मेरे मित्र अखबारों के अनुसार सबसे पहले आपने ही तीन उम्मीदवार बाहर के लाने की सलाह दी थी। आपकी राय को काफी महत्व मिला लगता है, बस नाम बदल गए। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सीधे सवाल उठाते हुए ट्वीट किया, शायद मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के प्रमुख रणदीप सुरजेवाल को पार्टी ने राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने खुद की अनदेखी पर नाराजगी जताई है। इसी तरह एक्ट्रेस और कांग्रेस नेता नगमा ने कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी को टिकट देने पर तंज कसा। नगमा ने लिखा, हमारी भी 18 साल की तपस्या कम पड़ गई। इमरान भाई आचार्य प्रमोद कृष्णम ने नगमा को जवाबी ट्वीट करते हुए तंज कसा। कृष्णम ने लिखा, सलमान खुर्शीद, तारिक अनवर और आजाद साहब की तपस्या तो 40 साल की है, वो भी शहीद हो गए। कांग्रेस को तीन सीट जीतने के लिए 123 वोट चाहिए। हर उम्मीदवार को 41-41 वोट जीत के लिए जरूरी है। कांग्रेस के खुद के 108 विधायक हैं, इनमें से 6 बसपा से कांग्रेस में शामिल होने वाले भी हैं। 13 निर्दलीय विधायकों के समर्थन का दावा है। 1 आरएलडी कोटे के सुभाष गर्ग हैं, यह संख्या 122 ही पहुँचती है। इसके बाद 2 CPM और 2 BTP के विधायक भी पहले गहलोत सरकार को समर्थन और वोट दे चुके हैं। कांग्रेस को तीसरी सीट पर जीत के लिए CPM BTP में से किसी एक का समर्थन जरूरी है। वहीं बात की जाए सबसे ज्यादा चौंकाने वाले दो नाम, कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी और पूर्व लोकसभा सांसद और पप्पू यादव की पत्नी रंजिता रंजन की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन दोनों को ही राज्यसभा के लिए चुनने की एक बड़ी वजह उदयपुर चिंतन शिविर में लिया गया 50 साल से कम उम्र वालों को मौका देने का फैसला बनी। दूसरा, रंजिता रंजन एक महिला है और उनके पति पप्पू यादव OBC समुदाय से आते हैं, तो कांग्रेस ने इस पर अपना जातीय समीकरण भी बिठाया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी लोकसभा में रंजिता रंजन के परफॉर्मेंस से काफी प्रभावित हैं, इसलिए उन्होंने खुद रंजिता रंजन के नाम पर मुहर लगाई। अब बात करें इमरान प्रतापगढ़ी की, तो वो भी 50 साल से कम उम्र के हैं। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता चाहते थे कि महाराष्ट्र से इमरान प्रतापगढ़ी को ही राज्यसभा के लिए चुना जाए, क्योंकि पिछले चुनावों में औरंगाबाद और कुछ अन्य इलाकों में प्रचार के वक्त इमरान ने असउद्दीन ओवैसी की MIM को खास परेशान किया था। इमरान खुद एक प्रसिद्ध शायर भी हैं और पसंदीदा मुसलमान चेहरे। हालांकि इस फैसले से महाराष्ट्र में कुछ नेता नाराज भी हैं कि जब मुकुल वासनिक सरीखे पार्टी के वरिष्ठ नेता महाराष्ट्र से ही है ही, तो महाराष्ट्र से उन्हें क्यों नहीं। बहरहाल कुछ वरिष्ठ नेताओं की सलाह पर पार्टी नेतृत्व ने इमरान प्रतापगढ़ी के पक्ष में मन बनाया और सूत्रों के मुताबिक खुद प्रियंका गांधी ने भी इमरान के नाम का समर्थन किया।